हेलो व्यूअर्स, मैं कशी शो, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। सारा अली खान सैर सपाटे में अव्वल है। फिलहाल सारा अली खान मालदीव वाला अपना एक वीडियो शेयर कर रही है, जिसमें वह अपनी सहेलियों के साथ खूब जमकर मस्ती करती नजर आती है। सारा अली खान मालदीव की दीवानी है और जब भी मौका मिले वो इस खूबसूरत ट्रिप पर निकल जाया करती है। हालांकि सारा अली खान का ये लेटेस्ट रील ज़रा पुराना है और मालदीव को मिस करते हुए उन्होंने इसे फैंस के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में सारा अपनी फ्रेंड्स के साथ समंदर किनारे रिसॉर्ट में और पानी के अंदर भी मस्ती करती दिख रही है। उन्होंने लिखा है कि वह मालदीव की फिजाओं को काफ़ी मिस करती है और इसलिए सोचा है कि क्यों ना ये वीडियो को शेयर किया जाए। इस वीडियो में सारा अलग अलग तरह के बिकनी में काफ़ी गॉर्जियस लग रही है। कुछ जगहों पर वह झूला झूलती दिख रही है तो कहीं समंदर किनारे बिकनी में डांस करती तो कहीं नारियल के पेड़ के तने पर आराम फरमाती नजर आ रही है। हालांकि सारा अली खान की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें उनकी मां अमृता सिंह के साथ भी नज़र आई है, जिनमें वह इंदौर के फेमस मंदिर खजराना गणेश मंदिर में नज़र आ चुकी है। वहीं पर वर्क फ्रेंड की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म अतरंगी रे OTT पर रिलीज़ हुई है, जिसमें वह साउथ के सुपरस्टार धनुष और बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार के साथ नज़र आई है। इस वक्त वो सारा विक्की कौशल के साथ अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रही है। और उनकी अगली फिल्म बता दें तो फिल्म है इंदौर में शूट होने वाले लुका छुपी 2, जिसके लिए फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि सबने लुका छुपी का पहला सीक्वल देखा था और वो भी लोगों को, व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उम्मीद है कि अब लुका छुपी 2 का जो सीक्वल है वो भी उतना ही मज़ेदार हो और देखने में उसको मज़ा आए। लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान भी काफ़ी लफड़े हुए हैं इंदौर में, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट के चलते दोनों को जेल की हवा भी खानी पड़ गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके मामला सुलट गया और फिर सारी चीज़ें ठीक होती चली गई। लेकिन अब ये अपने पुरानी वीडियोस को शेयर करके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है और फैंस को भी बहुत अच्छी लग रही है ये वीडियोस। लेकिन आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।